नमस्कार दोस्तों, सिविल इंजीनियरिंग सपोर्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, ज़मीन की बढ़ती कीमत लोगों से क्या क्या करवा रहा है आज आप इस वीडियो में देखने वाले हैं। पहले हमने सीढ़ी के नीचे बाथरूम, सीढ़ी के नीचे किचन, सीढ़ी के नीचे स्टोर रूम बनता हुआ आपने देखा था। आज बताने वाला हूँ दोस्तों, सेप्टिक टैंक के बीचों बीच से किस तरीके से सीढ़ी निकालना है, और आपको पार्किंग स्पेस में अगर और इजाफा चाहिए, पार्किंग स्पेस आपको बड़ा चाहिए दोस्तों, तो आपको इस वाले आइडिया पे बिल्कुल अपने घर में काम करना चाहिए। देख सकते हैं दोस्तों, जो पार्किंग स्पेस है उसको बढ़ाने के लिए, उसमें कोई डिस्टर्बेंस पैदा ना हो, इसलिए आप देख सकते हैं कि सीढ़ी को किस तरीके से दीवार के बिल्कुल किनारे रखा गया। मतलब दीवार से मात्र आपका जो 3 फीट का जगह है वही सिर्फ डिस्टर्ब हो रहा है दोस्तों, और आप देखेंगे तो नीचे में फुल लेंथ यानी कि 3 चैम्बर वाला जो सेप्टिक टैंक आमतौर पर लोग बनवाते हैं दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं पार्टीशन, ये कॉमन चैम्बर है, ठीक है। और यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे एक सेपरेट जो है वो चैम्बर आपके लिए दिख रहा होगा। तो एक सही तरीके से दोस्तों स्पेस मैनेजमेंट किस तरीके से करते हैं, जगह को किस तरीके से मैनेज किया जाता है, इससे बेहतरीन वीडियो आपको नहीं मिलने वाला है। आप देख सकते हैं दोस्तों, जो पार्किंग एरिया है उसमें आपको किस तरीके से जगह बन रहा है। और एक चीज़ लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि जब भी दोस्तों सीढ़ी को स्टार्ट करते हैं तो प्लिंथ लेवल से, प्लिंथ बीम से ही स्टार्ट करते हैं, सेप्टिक टैंक के नीचे बीम कैसे दिया गया, ये भी दोस्तों सोचने और समझने और जानने वाली बात है। चलिए मैं बता देता हूँ दोस्तों, जो स्पैन है, जो पहला फ्लाइट है दोस्तों, वो बहुत लंबा चौड़ा नहीं है, बहुत ही छोटा फ्लाइट है। इसलिए दोस्तों ये प्लिंथ लेवल पे आप देखेंगे कि यहाँ पे जहाँ से सीढ़ी स्टार्ट हुआ ना, ये जो बीम आया दोस्तों, इसके सहारे एक टी आकार का, आप समझ रहे हैं, बीम इधर से जा रहा था दोस्तों, और दोस्तों एक टी आकार का दोस्तों बीम इधर से निकाला गया, कैंटिलीवर बीम इसको बोल सकते हैं। लेकिन दोस्तों चूंकि इसका स्पैन बहुत कम है, आप देख सकते हैं मात्र जो है वो 4 ही स्टेप है, 4 ही दोस्तों आप देख सकते हैं कि स्टेप उस पर बनाया जाना था, उसके बाद का एरिया बिल्कुल जो है वो फ्री है, कहीं भी बीम देने की आवश्यकता नहीं है। जितना दूर आपका सीढ़ी है उतना ही दूर दोस्तों कैंटिलीवर बीम दिया गया है, और चूंकि दोस्तों ऊपर से भी आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4 के बाद में इधर दीवार का सपोर्ट है दोस्तों, तो ये नीचे से नहीं बल्कि एक तरह से समझ सकते हैं कि ऊपर से नीचे की तरफ आया हुआ सीढ़ी है। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं दूसरा जो फ्लाइट है, लैंडिंग है, फिर दोस्तों तीसरा जो फ्लाई है किसी प्रकार का कोई भी डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं कर रहा है, ये सब बिल्कुल हवा में है दोस्तों। तो यहाँ पे पार्किंग स्पेस में किस तरीके से इजाफा हो रहा है ये भी आप देख रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों सीढ़ी की मजबूती से भी किसी प्रकार की कोई खिलवाड़ नहीं है, क्योंकि वो नीचे से सीढ़ी नहीं बल्कि ऊपर से सीढ़ी आया हुआ है, ठीक है। इसको सपोर्ट करने के लिए जो दीवार है दोस्तों वो 10 इंच का दोनों तरफ से दिया गया है, जिसपे सीढ़ी आराम से चल जाए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक बीम के सहारे लैंडिंग है, और ऊपर से दोस्तों आप देख सकते हैं कि छत पे सीढ़ी जो है वो चला जा रहा है। तो आप अगर तरीके से काम करते हैं तो जगह भी बचा पाएंगे, किसी प्रकार की गलती भी नहीं होगी, और आपका जो जगह है दोस्तों उसका आप सदुपयोग भी कर पाएंगे। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि जब आप अपने लिए घर बनवाएं तो इससे दोस्तों आपको बहुत मदद मिल सके। और दोस्तों हमारी चैनल पर इसी तरीके के वीडियोज़ अपलोड होते ही रहते हैं, तो चैनल को सपोर्ट कीजिए, जितना हो सके नए नए लोगों तक पहुँचाइए। आखिरी कन्फ्यूजन दोस्तों जो इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में आएगा कि आपका जो लैंडिंग है वो किस तरीके से सपोर्ट ले हुए है, तो लैंडिंग के लिए आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे एक बीम दिया हुआ है, इस बीम के सहारे दोस्तों ये दूसरा जो फ्लाई है वो भी रेस्ट कर रहा है, और तीसरा जो फ्लाई है वो भी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, साथ ही साथ ये लैंडिंग का जो कैंटिलीवर स्लैब है उसको भी सपोर्ट कर रहा है। उसके बाद दोस्तों ये तो छत पर पहुँच जाता है, तो यहाँ पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो एक तरीके से काम करें दोस्तों, आपका काम बिल्कुल सही होगा। फिर मिलते हैं, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।